मैं नहीं दिखा रहा आपको, यहाँ आओ, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ आओ, आपको तभी दिखाऊंगा। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सीधी गली दूध से भरी, बताओ क्या? गेस करो। नॉन नो। ट्यूबलाइट। कैसा था? मजेदार भाई, मजा नहीं लग रहा है। ओ भाई, ओ भाई, ओ रोड्स खत्म, बिल्कुल खत्म भाई। अब हमें बस यही करना है जो चल रही है अब। ये पता नहीं ना ऑफ रोडिंग है ना रोड से है। अशोक भाई ये क्या दिखा दिया? ऐसी है भैया। सर ऐसा लग रहा आग लगी हुई है ग्लेशियर में, बर्फ के साथ आग फ्री। आज हमने पी लिया यहाँ आके क्या? पानी पानी माले का पानी। चली चली फिर चली 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 इश्क की हवा चली। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और टन टना टन टन। अरे पल जप तेरा नाम। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपके? ठीक ही हो गए यार। तो भाई जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है उसको पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, पर जिसने नहीं देखी हुई वो तो अनजान है ना भाई। तो भाई आज हम पहुँचे हुए हैं कुफरी, मतलब कल रात को पहुँच गए थे। तो पिछली वीडियो में हमने सब कुछ दिखा दिया था, नज़ारा वगैरह, बट जो आज देख रहे हैं उनको थोड़ा ना पता कि नज़ारा कैसा। तो एक बार नज़ारा दिखाता हूँ आपको पहले। ये देखो, ये देखो, ये देखो, चेक करो भाई साहब। मतलब कुछ कमी है तो बता देना जरा कमेंट्स में जाके, कि कुछ भी कमी लगे आपको कि भाई ये कम है, वो कम है। वो देखो वहाँ से धुआं भी उड़ रहा है, यही कमी रह गई थी बस। अरे वाह। और ये देखो हमारे मास्टर साहब आ गए अपनी वीडियो स्टार्ट करके। तो भाई नाश्ता कर लो, निकलना भी है, 10 बजने वाले। क्या टाइम हो रहा है देखना? घड़ी ऑन नहीं है, क्या टाइम हो रहा है? घड़ी जल्दी रही। अरे बताओ ना। 8:40। तो भाई 8:40 हो चुके हैं, हमारा प्रोग्राम था कि 7 बजे हम निकल जाएंगे, बट ये भाई साहब लेट उठते हैं, कच्चा पहन के घूमते रहते हैं। 8 बजे उठते हैं यार, जाओ यार। रात को 1:30 सो के भी ना 7:30 उठ गया था मैं, और जब मैं उठा तो ये पॉटी कर रहे थे अंदर। अब जब ये पॉटी करके आया तो मैं नहाने चला गया, और सबसे पहले मैं तैयार हूं। ऊपर वाले को जवाब देना जाने के बाद, ऊपर वाले के पास ही खड़े हम बहुत ज्यादा ना, उनको जवाब मिल रहा होगा इस टाइम। तो भाई अभी नीचे नाश्ता तैयार है, नाश्ता भी क्या ही तैयार है, कल के पुलाव बचे थे जो इन्होंने बेकार से बनाए थे, वही खाने पड़ेंगे रूखी सूखी। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं यार, कल पता नहीं कहाँ फंस गया। ऊपर से हमारा मन है अब कॉफी पीने का भी, तो भाई कॉफी भी बनाएंगे अशोक भाई बेकार सी, तो वही एक बार पी के एंजॉय कर लेंगे। आ जाओ भाई फटाफट से चले यार। तू नमक कम खाता है, मैं तो तेरी खा लो भाई। सीरियसली कह रहा हूँ, जितना मजाक उड़ाया था मैं वापस ले रहा हूँ इस बार। ऑसम, मतलब मजा आ गया अशोक भाई, सच्ची कह रहा हूँ। टेस्ट बहुत बढ़िया है, नमक मिर्च सब ओके। नाश्ते का ही मजा आ गया सुबह तो, अब नज़ारों का क्या ही मजा लेंगे। छोड़ो रहने देते, नहीं नहीं जाते आगे। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि क्या बताऊँ कैसी है। अब खाना बनाना नहीं आता, तो इसकी डिसएडवांटेज देखो क्या है कि मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। अब कुछ तो करना ही है ना, देखो खाना बनाना नहीं आता तो बर्तन तो धोएंगे ही। अशोक भाई को कैमरा पकड़ा दिया और देखो बेशरम होके मेरा शूट भी कर रहे हैं। मैंने कहा एक बार दिखाना जरा ऑन करके क्या है हिसाब किताब, कर भी रहे हैं, शर्म भी नहीं आती। नहीं आती ना जिसने की जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ये फूट गए ना आपके? मेरे तो फूट गए कि तेरे को बर्तन धोने भी नहीं आता। भाई साहब बिना साबुन के बर्तन धो के दिखा दो आप, जैसे मैं धो रहा हूँ। एक एक बर्तन पे 5 मिनट लग रहे हैं। अशोक भाई हाँ? क्या बात होगी, गाने सुन के पॉटी आती है क्या? गाने सुन के पॉटी आती है? क्या मैं कह रहा हूँ बिना गाने सुने पॉटी नहीं आती भाई, नहा रहा हूं। अच्छा अच्छा झूठे झूठे। भाई साहब 2 घंटे पहले नहा के बाहर निकले थे ये, अभी गाना गाते गाते जोर लगा रहे हैं, आवाज पता लग रही है भाई साहब, इनका दर्द पता लग रहा है मुझे इस टाइम ना। देखो वो क्लिप नहीं बंद कर रहे होते उसका, तो उंगली आ गई बीच में, दिख रहा है थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है। पी जाओ अपना ही खून पी जाओ, ज़ॉम्बी बन जाओ।
भाई साहब मेरे पे इतने जुलम हो रहे हैं ना क्या बताऊं, सारा सामान मैं नीचे लेके जा रहा हूं। और मुझे बताओ क्या कह रहे हैं कि भाई तू सामान लेके आता रहा, मैं नीचे सेट करता रहूंगा, मतलब मुश्किल काम तू करता रहा, मैं आसान काम करता रहूंगा, कोई बात नहीं, देखो जरा। भाई साहब मुश्किल काम मुझे दे दो, आसान काम खुद करो। अच्छा सामान सेट करना आसान है, आ जाओ। और क्या ऑब्वियसली जल्दी आ सामान लेके आ रहा हूं। लाइट्स ऑफ कर दें पहले, है ना। सो से बाय बाय टू दिस रूम, थैंक यू सो मच। यार एक बार नजर मारो अगर आपको दिख रहा हो तो, वो आंटी ऊपर चढ़ी हुई है, कुछ खेती बाड़ी चल रही है वहाँ पे। तो भाई हम सोच भी नहीं सकते ऐसी खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने को, और अशोक भाई ने सारा सामान कर दिया अंदर पैक गाड़ी में। तो अभी हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की, और डेस्टिनेशन नहीं पता कि कहाँ पे जा रहे हैं, बट चल रहे हैं। क्यों, चलो भाई फटाफट से चलते। भाई अब दाढ़ी भी हो गई है सेट, और अब हम निकलने लगे हैं। हम भी हो गए सेट, सेट हो गए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। चलो आगे तो बढ़ाओ। तो भाई अभी हमारा सफर हो चुका है 229 किलोमीटर, 229 किलोमीटर। कैमरे से कैमरे की पप्पी हो गई है। तो भाई आप वाइट वाइट देख रहे हो जो बिछा हुआ है, ये पेड़ों पे क्यों बिछा हुआ है ये हमें भी नहीं पता, बट इतना पता है कि अंदर सेब के पेड़ है, सेब के पेड़ है ना भी। या मैन या। तो भाई आई थिंक ये धूप से बचने के लिए, या फसल बचाने के लिए, या बर्ड्स से बचने के लिए, ये हमें नहीं पता, बट आप बताओगे ये हमें कमेंट सेक्शन में कि ये क्यों बिछे होते हैं पेड़ों के ऊपर, वाइट वाइट से कुछ चादर टाइप है, ट्रांसपेरेंट ही है थोड़ी सी, है ना। बताना जरूर भाई कमेंट में, अगर किसी को पता हो तो हमें भी थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। आलसी हम एक नंबर के हैं, नहीं तो हम गूगल सर्च भी कर सकते थे ये चीज़। यार अशोक भाई बड़े भाई वाला पूरा फर्ज निभाते हुए मेरे लिए नींबू भी ले आए हैं, थोड़ा दिल कच्चा हो रहा था ना, और लिमका भी ले आए हैं, और पल्स ऑक्सीमीटर तो मैं लेके आया था बट सेल नहीं लाया था, तो सेल भी ले आया है। कह रहे तेरे अंदर ऑक्सीजन चेक करेंगे पूरी है कि नहीं है। ये तो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी पड़ा है, मास्क लगा के बैठ जाओ पीछे। मैं कहता हूं चलने नहीं, इतनी भी दिक्कत नहीं है। जब चलने लगती है ना गाड़ी यार, बहुत ज्यादा जिगजैग है यार यहाँ पे रोड। इसका ढक्कन का रखा है यार, ये मेरे हाथ में है, दूसरे दो फिर लो सर, जिगजैग बहुत है यार, जिगजैग नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे उंगल में घुसाते हैं और सीधी सीधी गली दूध से भरी, बताओ क्या। गेस करो, डोंट नो। ट्यूबलाइट, वैसे दिमाग में आ गया था। लगाओगे, लगाओगे मेरे लिए? लगाते हैं। ओला मेरा खराब नहीं है, इनका खराब है, माइनस। भाई इस डॉगी को देखो, इस पप्पी को देखो, मतलब बीच सड़क में बैठा हुआ है, लोगों की गाड़ियां ना टेढ़ी मेढ़ी करके निकलवा रहा है। चलो साइड हो, मैं इसको ये टाने आ रहा था। अच्छा आपने पानी डाल दिया। Cheers. हाँ है कोई तो बचा जो जीने का मजा यूं आने लगा। भाई जब भी मैं देखी ना, भैया आपने देख ली भाई, देख ली ना, तो भाई देख ली। वैसी फील आ रही है कसम से कह रहा हूँ, मतलब एक से एक पहाड़, एक से एक नज़ारे, और ग्राउंड है पहाड़, ऐसा नहीं कि नॉर्मल पहाड़, और कई कई जगह तो लोग भी चढ़े होते हैं भाई खड़ी चढ़ाई पे, आपको मैंने पीछे आंटी भी दिखाई थी। तो भाई अभी तक हम चलते जा रहे थे, कोई मूड नहीं था रुकने का, बट भाई साहब हम वो बचपन में बनाते नहीं थे पेंटिंग है भैया, सही बात है, जो नीचे पानी बह रहा होता था और ऊपर पहाड़ होते थे आसपास, और साथ में पुल भी होता था भाई। पुल भी होता था। ओए भाई ये भी बात सही बोली, और साथ में मंदिर भी होता था। सही बात है। ओए भाई कुछ भी नहीं रह गया भाई, अब यही था जीवन, यही देखने आए थे और देख लिया, मन कर रहा वापस चला जाऊं, बट नहीं, जहाँ जा रहे हैं ना वो भी बहुत बढ़िया जगह है। अल्टीमेट अशोक भाई ने पूरा प्लान करा हुआ ट्रिप, बट बता नहीं रहे कहाँ जाना है, बट हमने कहा चलो थोड़ी फोटोग्राफी कर लेंगे। और पहले आप ये देखो हम देख क्या रहे हैं भाई साहब, मतलब कुछ कमी है तो बता देना भाई, दोबारा बोलूँगा, कमी एक नंबर की भी नहीं है, 100 out of 100। ये मैं पुल की बात कर रहा था, वो रहा मंदिर जो कि हम पेंटिंग में बनाया करते थे, और वो रहे आसपास पहाड़, भाई एंड ही नहीं नजर आ रहा, इतना मजा आ रहा ना देख के यार। बस अब थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक करा के इंस्टाग्राम के लिए थोड़े से आगे बढ़ेंगे, और स्टोरी वगैरह भी बना के डालेंगे यार, इंस्टाग्राम वाले भी वेट कर रहे होंगे हमारी। आप यूट्यूब वाले हो, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, हम पहले वहाँ पे स्टोरी डालते हैं, वीडियो 4-5 दिन बाद आती है मेरे भाई। तो भाई हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग, अब होने वाली है माँ बहन चौकर्स की, क्योंकि ऑफ रोडिंग होगी स्टार्ट, पीछे बहुत सारी लैंडस्लाइड्स मिली, हमने कहा ये सब चीजें ना बहुत आने वाली है तो क्या ही दिखाएं, बट ऑसम मजा आ रहा है, ऑसम मौसम, ऑसम मौसम प्लस ऑसम वाटर क्रॉसिंग ब्रदर, या बेबी। तो भाई हमने कहा कि ऐसा व्यू तो नहीं छोड़ सकते अब हम कैमरे के लिए, मतलब कैमरा में दिखाने के लिए ऐसा व्यू नहीं छोड़ सकते, एक पहाड़ के पीछे एक पहाड़ के पीछे एक पहाड़ के पीछे एक पहाड़। अशोक भाई क्या कहोगे आप, हम तो काट रहेंगे भैया, ये तो मतलब अल्टीमेट है इन्हीं चीजों के लिए भाई, हम लोग यहाँ आए हैं, और देखो क्या बढ़िया सा व्यू है, पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़, जहाँ तक नजर जा रही है पहाड़ी पहाड़, और एक से एक ऊपर होते रहे हैं। तो भाई कैमरामैन हर्षदीप सिंह के साथ अशोक भाई, चैनल हिमाचल। यार अब कुछ भी अलग चीज दिखती है ना, मैं हैंड ब्रेक खींच देता हूँ गाड़ी की, और मैं अशोक भाई को बोलता हूँ कि यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ से आगे नहीं जाना, तो वो अलग चीज क्या है, अभी तक हमने एक भी बढ़िया झरना नहीं देखा था भाई, इतना प्रेशर से झरना बह रहा है ना, ये एक बार देखो आपको पता लगेगा, ये देखो भाई प्रेशर चेक करो, यहाँ से ये नीचे जा रहा है
नीचे से ये जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ का नज़ारा अलग ही अद्भुत है भाई। मतलब अल्टीमेट यार, मज़ा आ गया देख के। अशोक भाई क्या कर दिया ये आपने, कहाँ ले आए हो ये मुझे? या आतंक मचा दे, आतंक। आतंक होता है, पिंडी तो लगाओ। आतंक क्या होता है? आज हमने पी लिया यहाँ आके क्या? पानी माल्य का पानी, माल्य का पानी। भाई GoPro में स्टेबलाइजेशन होता है, इसलिए झूठे माटे नजर आएंगे नहीं। अच्छा ये मुझे पता नहीं था ना एक्चुअली, बट हमें तो झूठे माही हो रहे हैं। सही बात है, आप तो मतलब धूल उठ रही है। प्रॉपर ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग है प्रॉपर। स्पीति में आपका स्वागत है, अभी पहुंचे नहीं है वैसे स्पीति, बट नजारे झलक झलक मिलने लग गई है भाई। ओ भाई, ओ भाई, कैमरा लग गया। राइडर्स इनको देख के भी खुशी मच रही है, क्योंकि हम भी एक राइडर ही हैं। बस वही है कि अब हम गाड़ी पे जा रहे हैं, ये बाइक पे हमें देख रहे हैं। तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया पहाड़ मिस कर दिए आपने, हर चीज नहीं दिखा सकते ना मेरे भाई, ये तो 2-3 घंटे की वीडियो आराम से बनेगी। बट ये गुफा के अंदर से ऐसा लग रहा है कि हम जा रहे हैं, नहीं अशोक भाई? सही बात है, पूरा लग रहा है ऐसे कि हम लोग यार गुफा में निकल रहे हैं। प्रॉपर दिख रहा है कि पहाड़ तोड़ के ये रोड बनाई हुई है। तोड़ के नहीं, काट के बनाई, काट के बनाई हुई। क्या ये वाटर क्रॉसिंग है अशोक भाई? ये वाटर क्रॉसिंग नहीं है, वाटरफॉल है। दूर से देखा तो लगा वाटर क्रॉसिंग थी, पास आके देखा तो वाटरफॉल ही था। भाई खाना खाएंगे? अरे यार ओके, रिपोर्ट लग रहा है ना। तो भाई काफी देर से ना कुछ खाया नहीं था, तो अशोक भाई कहते हैं अगर हम पहाड़ों में ही है तो कोई बढ़िया सी जगह देख के रुकेंगे ना भाई। और बढ़िया सी जगह आपने क्या देख लिया? मैंने तो ये, मैं नहीं दिखा रहा आपको, यहाँ आओ। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ आओ, आपको तभी दिखाऊंगा, देख लो यार। वहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से दिख रहा है, और यहाँ से भी दिख रहा है, और नीचे भर रहा है वो टैंकर, और टैंकर होगा सप्लाई। ये ऐसे ही होता है क्या? बम 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 बोले। मैं क्या कह रहा था, टैंकर सप्लाई होता ही है फिर ये? भैया आगे जेके का पावर पावर स्टेशन। अच्छा फिर बस सप्लाई जाते हैं वहाँ पानी वानी। ओके, तो अभी कुछ खा ले पहले। आओ आओ, आ जाओ। तो यार पेट पूजा करने के बाद ना अशोक भाई के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। अब वो खुराफाती आइडिया क्या है वो बस आप देखना, देखना बस आप देखना, और आपको ना मजा आया तो मुझे बताना। और ये हमारे अशोक भाई खुराफाती कह रहे हैं भाई गाड़ी लाए हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या बात है, क्या बात है यार, अंदर बैठ के ना और मजा आ रहा होगा वैसे इनको। गलती कर दी मैंने, मैंने करना था ये। ऑल दी बेस्ट। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओ भाई पीछे पीछे पीछे। तेज माली है भाई। करो ना यार, करो करो एक बार, कोई बात नहीं, एक बार करो, एक बार। कैसा था? मजेदार भाई, मजा नहीं मिल रही है। तेज था ना भाव? बहुत तेज पानी था भाई, बहुत। ओ भाई चलो ये भी एक्सपीरियंस ले लिया आज। नहीं आ गया, आ गया नई वाली टनल। ओ भाई क्या बात है, ओ भाई ज्यादा हो गया। तो भाई ये आ गया हमारा पहला स्टील ब्रिज। हाय हाय नजारे नजारे भाई, इधर तो डर लग रहा है देख के साइड पे। साइड वाला दिखा नहीं सकते ना, साइड वाला नहीं दिखा सकते ना, खुद देख सकते। आवाज वैसी आ रही है जैसे ट्रेन नहीं चल रही होती, छुछुक 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 छुछुक। अशोक भाई ये क्या गिरा हुआ है? ओ भाई ऐसा लग रहा है किसी हाथी का स्कल है। ओहो बड़ा सा, बट ये लक्कड़ है ना, ऊपर से गिरी है कहीं से। ये सारा आर्मी एरिया है और यहाँ पे बिल्कुल शांति है। नहीं अशोक भाई तो यार अभी हमें पता नहीं है कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं, बट मैं सच्ची बताऊँ तो एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। वैसे अशोक भाई ने मना करा था कि दिखाना नहीं है, बट आपको बताना है मुझे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस एरिया में इतने सारे देखे हैं ना मैंने। मैंने ये देखा अशोक भाई, टनल्स बनी हुई है ना, और पहाड़ों के अंदर ही काम हो रहा है। मतलब इतने तरीके से इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं, मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक गई हुई है भाई। बहुत एडवांस, बहुत ज़्यादा, मतलब हैरानी की बात है। और जो दिल्ली में रह रहे हैं ना लोग,
यहाँ दिल्ली मतलब यहाँ से बाहर रह रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखने को होंगी। चारों तरफ लैंडस्लाइड है, हालांकि हर चीज़ वही है कि मैं दिखाने लग गया तो दो दो तीन तीन घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को ना। बट चारों तरफ लैंडस्लाइड है और आसपास ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, और आर्मी वाले साथ में, मैं तो जो भी दिखता सैल्यूट मार रहा हूं। हमारे ना आसपास ही जो है वो चाइना बॉर्डर चल रहा है, चाइना बॉर्डर चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारे राइट साइड पे थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो चाइना बॉर्डर आ जाएगा, तो हम चाइना के पास में और यहाँ उनकी बीप पे बीप अशोक आए हैं। अशोक भाई लड़ने को तैयार है, चीनी चली चली फिर चली 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 इश्क की हवा चली। अशोक भाई कुछ बताएंगे? हम क्या बताएं यार, सड़क देखे मदहोश हो गए यार, बहुत मतलब अल्टीमेट सड़कें बनी हुई हैं यार। अब हम सोच रहे थे बहुत ही ज्यादा खराब मिलेगी शिमला के आगे। ये एक्चुअली ना शोभा, इनको पता लग गया था हम आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, हर्ष पावा इन पंजाबी राइडर आने वाले हैं, तो इसीलिए उन्होंने खुलवा दिया था ना सारा, और ये प्रॉपर इन्होंने रोड हमारे लिए बनवाई है। बहुत प्यार से इस रोड से इसी गाड़ी की तरह आ रहे थे, और अशोक भाई को मैंने बोला रुक जाओ, अशोक भाई रुक जाओ। वो क्यों? क्योंकि मुझे ये दिखा पत्थर, ये एक पत्थर पे टिका हुआ। अशोक भाई ऐसे करने से ना ये गिर जाएगा मुझे लग रहा है। और ये ऊपर देखो यार, पहाड़ी का कुछ अंत ही नहीं है, मतलब क्या एंड है इस पहाड़ी का पता ही नहीं लगेगा। और भाई सामने देखो ये नदी, नदी के ऊपर भी पहाड़, जिसका कोई है नहीं अंत, मतलब कोई अंत नहीं है अशोक भाई। क्यों? और ये आगे जाके डैम पे कनेक्ट हो रही है। चलना है नहीं चलना आगे? चल रहे हैं, तो आगे जाके डैम पे कनेक्ट हो रही है ना ये। हां बहुत सारे डैम है भाई, आना हो गया वसूल कसम से अशोक भाई। अरे मत जाओ यार, थोड़ी व्लॉगिंग करने दिया करो हमें। अरे यार देखना जरा, जान ही नहीं देते तुम्हारे को, कैसे दिखाऊंगा मैं चीज इनको ना, मतलब टैग करके गाली ना दो थोड़ी सी ना आपको, मतलब मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहे, दिखाऊंगा कैसे आपको। लिखो @ पंजाबी राइडर गालियां। रोड्स खत्म। बिल्कुल खत्म भाई, अब हमें बस यही करना है जो चल रही है अब। ये पता नहीं ना ऑफ रोडिंग है ना रोड्स है, बात बात पे यहाँ पे जाम भी लगा होता है, मतलब क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुई होती है। वो देखो आगे ट्रक खड़ा हुआ है एक, वो खड़ा ही रहेगा अभी 15 मिनट लग रहा है, क्योंकि आगे से एक गाड़ी आ रही है। सिंगल रोड है ना अशोक भाई, दोनों गाड़ी इकट्ठी निकलनी मुश्किल है यहाँ पे। नहीं हमारी गाड़ी छोटी है ना भाई, हमारी छोटी भी है, हमारे लिए ईजी है, वही बस बेनिफिट्स बता रहे हैं आपको ऑल्टो के, और कुछ नहीं। सही बात है, पैसे नहीं दिए कंपनी ने भाई, क्या चीज है, कहाँ ले आए भाई, हर्ष भाई कहाँ ले आए, क्या हो रहा है। कई बार होता है ना कि शब्द ही खत्म हो जाते हैं बस, अब मतलब तो वो शब्द नहीं, जब से रोड खत्म हुई है तब से मेरे शब्द भी खत्म हो गए। भाई अशोक भाई ये क्या दिखा दिया? ऐसी है भैया, सर ऐसा लग रहा आग लगी हुई है ग्लेशियर में, बर्फ के साथ आग फ्री। ओ असम मैन, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। और आगे की रोड देखो, नहीं भाई कसम से यार, अशोक भाई कैमरा नहीं बंद कर रहा मैं अब, सॉरी टू से दैट। तो यार ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला है, तो अब मेरे को नहीं लग रहा कि हम अब कुछ भी कैप्चर कर पाएंगे, बट अभी आगे ना बहुत लंबा रास्ता बचा जहाँ पे हमें अभी जाना है, मतलब जहाँ पे अभी हमें आज रहना है रुकना है। तो होपफुली अब मैं जाके सीधा रूम में कैमरा ऑन करूंगा, यहाँ पे तो बस ये लास्ट आपको नजारा जो दिखा रहा हूँ यही है। अब कच्चे ही रास्ते हैं भाई, पक्के कहीं कहीं जगह आ रहे हैं, जैसे ये पक्का रास्ता है इसलिए मैंने वीडियो भी ऑन कर दी है। अब सारे ही आगे कच्चे रास्ते हैं जितना मुझे उम्मीद है, क्यों अशोक भाई? हाँ हो सकता है भाई, पर ये काम अच्छा काम कर रहे हैं मित्र। हाँ सही है, मजा आ रहा है अभी फिलहाल, बहुत अच्छा टूर रहा है हमारा, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको मिलते हैं सीधा जाके रूम में। अरे यार वीडियो एंड करना भूल गया था शोक भाई यार, अगर ये मुझे याद ना दिलाते ना कि भाई वीडियो एंड कर ली, याद ना रहता मुझे खाएगा। बस इन्होंने मुझे रोटी खिला दी ना, दोबारा एनर्जी आ गई है, बहुत ज्यादा थक चुके थे इसलिए भूल भी गया था, और ऊपर से क्रिकेट मैच का तो मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ, मतलब क्रिकेट मेरे आगे लगा दोगे ना कुछ नहीं दिखता भाई साहब मुझे। और लड़ते झगड़ते हमें बहुत अच्छा रूम भी मिल गया था, ये देखो ये छोटा सा रूम था, होपफुली यहाँ पे ना सिलन होगी तभी इन्होंने पोस्टर लगा दिया। क्यों अशोक भाई है टूटा हुआ है ना पीछे। अशोक भाई अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? हम लोग पहुंचे हैं स्पीति वैली से, बहुत पहले हम लोग अभी। हाँ अभी बहुत पहले हैं, पता नहीं स्पीति जाते हैं यहाँ से वापसी चले जाते हैं, वापसी चले जाते हैं पता नहीं ना की तरफ निकल जाते हैं। सस्पेंस में रहो भाई साहब, अगली वीडियो का वेट करो, बहुत मजा आने वाला। तो भाई होप करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो क्या करना अशोक भाई? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाओ। तो भाई ये सारे काम करके जाने हैं अशोक भाई, देखो एज के बड़े हैं, इनकी बात मानो, क्यों नहीं मानते, बड़ों की बात मानते। तो भाई मिलते हैं इससे भी और अच्छी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय। ये खा लो भाई खा लो। नहीं खाना, मैं ही करूंगा, बाय बाय।